वेलकम ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास. टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 11th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड द टॉपिक इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम प्लांटी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स डिस्कस अबाउट किंगडम प्लांटी. सो प्लांटी इंक्लूड ऑल द फोटोसिंथेटिक बट द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फॉर्म्स. दैट मीन्स प्लांटी जो किंगडम है उसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मेंटेन करें. बट द यूकैरियोटिक दैट मींस अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. यू मींस वेल, कैरियोट मींस कैरी ऑन, दैट इज अ न्यूक्लियस. एंड द मल्टीसेलर, दे हैव द मल्टीसेलर सेल एंड दीज हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द फीचर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्लांटिंग. फर्स्ट वन इज स्टूडेंट, ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव द क्लोरोफिल बिकॉज दे आर द फोटोसिंथेटिक. ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड मेंटेन करेंगे. सो ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव द क्लोरोफिल. सारे ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सो क्लोरोफिल इसलिए प्रेजेंट होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो सके. अगर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो इट इज अ वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. ऑल आर द यूकैरियोटिक, दैट मींस यू मींस वेल, कैरियोटिक मींस कैरी ऑन, दैट मींस न्यूक्लियस. दे हैव द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, well developed cell organelles and nuclear structure. So इसमें क्या होते हैं बेटा? Nucleus well developed होता है. Nucleus के सारे structure well developed होते हैं. They have the cellular cellsoic cell wall. That means the cell wall of these type of a organism belonging to the kingdom plantae, the cell wall made up of the cellulose. Okay. सो सेल वॉल जो होती है ऑर्गेनिज्म की, बेसिकली सेलुलोज का इसका केमिकल कंपोजिशन होता है. नेक्स्ट इज दे आर द मल्टी सेलुलर. बेसिकली दैट मींस मल्टी मींस वन देन मोर. ओके, सेल मींस सेलुलर मींस सेल्स. अ यूनिसेलुलर एल्गा सच एज द क्लेमाइडोमोनास आर नाउ प्लेस विथ प्रोटिस्ट. सो ऑल द ऑर्गेनिज्म बिलोंग प्लांटी आर द मल्टी सेलर. दे हैव अ मल्टीपल टाइप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ए स्ट्रक्चर. ओके, एंड यूनिसेलर एल्गा डेट इज अ क्लेमाइडोमोनास आर नाउ प्लेस विथ प्रोटिस्ट. सो यूनिसेलर क्लेमाइडोमोनास जो है बेसिकली वो प्रोटिस्टा में इस समय क्लासीफाइड है. नेक्स्ट इज रिजर्व फूड इज स्टोर्ड. सो ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी रिजर्व फूड इज स्टार्च. जो ये रिजर्व करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं फूड को, वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं. बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड रिजर्व करते हैं. सो बट प्लांटी जो प्लांटी होते हैं वो फूड रिजर्व स्टार्च के फॉर्म में करते हैं. नेक्स्ट इज दीज आर यूजली फिक्स्ड एक्टिव लोकोमोशन इन असेंट. सो बेसिकली प्लांटी जो होते हैं, दे आर द प्लांट्स. ऑल द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन अ प्लांटी. सारे जितने प्लांट्स हैं वो क्लासिफाइड है प्लांटी में. सो दे आर यूजली फिक्स्ड. वो एक जगह फिक्स्ड रहते हैं. एक्टिव लोकोमोशन इज एब्सेंट. एक्टिव लोकोमोशन जो होता है बेसिकली वो एब्सेंट होता है. नेक्स्ट इज सेल हैव अ वन और ए मोर वैक्यूल्स.
So for the transportation or a different type of a mechanism, cell have a more vacuoles present. Okay, different type की activity के लिए cell में बहुत सारे vacuoles present होते हैं. Inorganic crystals may be are present in the cells. So inorganic crystals crystallization और एक crystals present होते हैं, ठीक है, in the cells. सारी cells में क्रिस्टल के फॉर्म में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. दे हैव द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे शो द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दे हैव द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. Next is excretory nervous system and the sensory organs are absent because they are a plants. Okay, because they are a plant and the excretory nervous system and the sense organ or a sensory is a absent in a plants. Okay, nutrition. Organic and the inorganic compounds are taken into the body by the observation. So nutrition जो होता है, ऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टेकेड इन टू द बॉडी, बॉडी में जाएंगे देन बाय द ऑब्जर्वेशन. किसकी हेल्प से? ऑब्जर्वेशन की हेल्प से. ओके, नेक्स्ट स्लो एंड द वीक रिस्पॉन्स टू बी एनवायरमेंट स्टिमुलाइज. सो क्योंकि ये इनमें कोई मतलब लोकोमोटरी एक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, सो दे स्लो और सो a weak type of a response to be a environment and stimuli. So remember this point. Kingdom plantae include ab kaun kaun se hote hain. All the types of a plant are classified in the kingdom plantae. First one is a multicellular algae, bryophyte mosses, pteridophytes, ferns, gymnosperms, angiosperms are in flowering plant. So algae, fungi, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperms are belonging to the kingdom planting. So I hope this video lecture is helpful to my all student, and thanks to all who watch this class.